बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनिस के काफिले पर हुई जमकर गोलीबारी में 3 से ज्यादा समर्थक हुए घायल। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनिस के काफिले पर जमकर हुई गोलीबारी कल बीते शनिवार को ही हाजी यूनिस बसपा को छोड़कर रालोद में हुए थे शामिल। आज रविवार को रालोद नेता हाजी यूनिस नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव भाईपुरा में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी समारोह से लौटते समय हाजी यूनिस के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने जमकर गोलीबारी कर दी। 2 गाड़ियों पर लगभग 40 से ज्यादा गोलियों के छेद नजर आ रहे हैं। इससे साफ लगता है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ हाजी यूनिस पर हमला करने आए थे। आपको बता दें कि बीते कुछ साल पहले हाजी यूनिस के भाई बुलंदशहर के सदर विधायक हाजी अलीम का भी अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। हाजी यूनिस के काफिले में शामिल 3 लोगों को गोलियां लगी है। घायलों को हाजी यूनिस के समर्थकों का जिला अस्पताल में जमावड़ा लग गया है। मिली जानकारी के अनुसार SP संतोष कुमार सिंह और DM चंद्र प्रकाश सिंह जिला चिकित्सालय में हाजी यूनिस से जानकारी हासिल कर रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।